तैयार हो जाइए सदर्न डर्बी के लिए. तमिल थलाईवास तेलुगु टाइटंस के साथ मुकाबला कर रहे हैं. तमिल थलाईवास के पास अब इस सीजन में कुशक बाकी नहीं है, उनकी पीठ दीवार से लग चुकी है. चुकेश हेगड़े लगातार सर की चोट से पीड़ित हैं. हेडबैंड पहनने की इनको इजाजत लगातार टेक्निकल डायरेक्टर से मिली है. सुकेश हेगड़े पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है अजय ठाकुर का सपोर्ट करें. पर सामने है अबुजार कृष्णा मदने की नई जोड़ी जो लगातार बेहतर खेल रही है विशाल भारद्वाज के ना होने के बावजूद. सुकेश पहली कामयाबी, डुओ डाई रेड आ गई है. लगातार दो रेड में तेलुगु टाइटंस को पॉइंट नहीं मिला था, तो ये रेड डुओ डाई है. पॉइंट लेना पड़ेगा वरना राहुल बाहर हो जाएंगे और अजय ठाकुर रिवाइव हो जाएंगे. बिल्कुल, बहुत बढ़िया रेड है ये. मंजीत छिल्लर बाहर जाएंगे. राहुल चौधरी अपनी जगह पर पूरी तरह से सुरक्षित, सुरक्षित भी और कामयाब भी. मंजीत छिल्लर ने थोड़ी सी देर लगा दी, बॉक लाइन से इतना ज्यादा गए थे उनको डैश करने के लिए. राहुल ने अपनी लंबाई का फायदा उठाया और मंजीत के फोर्स से ज्यादा फोर्स अपने एस्केप में अप्लाई किया. बड़ी कामयाबी मिली है. 12-6 ये है दोनों की स्कोर लाइन. सुपर टैकल की ये सिचुएशन है जब तीन या तीन से कम डिफेंडर हो और रेडर को पकड़ ले तो एक नहीं दो पॉइंट मिलते हैं. और यहाँ पर नीलेश सालुंके पर प्रेशर, क्या करेंगे सुपर टैकल में, क्या डिफेंस उन पर आक्रमण करेगा या नीलेश सालुंके शिकार करेंगे. सुपर टैकल कर दिया गया नीलेश सालुंके का. तमिल तलाईवास ने इस मैच में डिफेंस में जो पहले पॉइंट लिए हैं वो सुकेश हेगड़े ने दिलवाए हैं, ना मंजीत ने, ना गोपू ने, ना सुब्रमण्यम ने. सुकेश हेगड़े ने सुपर टैकल किया, दोनों एंकल्स पर डाइव लगाई और दोनों तरफ से उनको साथियों का सपोर्ट मिला. ये तस्वीर आपको बताने को काफी है कि मंजीत की भूमिका क्या है इस टीम में. पिछली जो डुओ डाई रेड थी अजय की, वहां भी मंजीत ने कुछ बताया था, यहां भी बताया है. उस रेड में अजय ठाकुर पॉइंट लाए थे, क्या यहां लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक नहीं दो या तीन पॉइंट. डुओ डाई पर इस रेड ने इस मुकाबले की सफलता तकदीर बदल दी है. ये तूफानी सुपर रेड है, जबरदस्त प्रदर्शन. डुओ डाई में कोई रेड तूफानी सुपर रेड लगा दे, ये सचमुच अद्भुत है. तीन बार मंजीत ने इनको हिदायतें दी थी पहले हाफ में, तीनों बार अजय पॉइंट लेकर आए थे. इस बार भी क्या उनकी बात सुनेंगे. यहां 6 का डिफेंस है, बोनस चाहे तो वो ले सकते हैं. थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, रनिंग बोनस की ही यहां पर पॉसिबिलिटी होगी. डाइव किया और बढ़िया डाइव, हाफ लाइन से, हाफ लाइन से पहले रोक दिया कृष्णा मकने ने. जिस तरह का फुटबॉल है मोशन का, पॉइंट लेना आसान होगा नहीं. अंदर जा नहीं रहे हैं, बहुत अंदर गए, उसका खमियाजा चुकाया. एक बार फिर मिला गर्दन के लिए, यहां 4 का डिफेंस मुश्किल होगा, अटैच कर दिए गए. पहला मुकाबला दोनों के बीच सीजन 6 में तेलुगु टाइटंस ने इतने ही फासले से जीता था. 37-28 से जीते थे तेलुगु टाइटंस और इस मैच में आखिरी रेड पर भले ही पॉइंट मिला हो तेलुगु टाइटंस की डिफेंस को, लेकिन डिफेंस में तेलुगु टाइटंस का आज का खेल बेहद खराब रहा है, जिसके चलते तमिल तलाईवास ने तेलुगु टाइटंस को वीवो प्रो कबड्डी के इतिहास में पहली बार शिकस्त दे दी है. बड़ी शिकस्त, और इस शिकस्त निश्चित तौर पर काफी खुश हुए होंगे तमिल तलाईवास की. कुल मिलाकर चौथी जीत है सीजन 6 में.